नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अभी तक हम लोग इस तरह के 25 टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये आपका 26वां टेस्ट है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करना है। तो हेमवती नदी आपकी कावेरी की सहायक नदी है, काबिनी नदी भी सहायक नदी है कावेरी की, और अमरावती भी सहायक नदी है आपकी कावेरी नदी की। लेकिन इंद्रावती नदी आपकी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी का उद्गम कोडागु कुरुक जिले के चिरंगाला गांव के निकट ब्रह्मागिरी रेंज में पर ताल कावेरी में 1341 मीटर की ऊंचाई पर होता है। उद्गम स्थल से आखिरी मुहाने तक की नदी की लंबाई कुल है 800 किलोमीटर। कावेरी बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल से लेकर संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी तक 81,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कावेरी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो हेमवती, लक्ष्मणतीर्थ, काबिनी नदी, सिमसा नदी, आर्कावती, भवानी नदी, नौव्याल नदी अमरावती की सहायक नदी है। अमरावती नदी भी सहायक नदी है कावेरी नदी की। ठीक है, जो आपकी इंद्रावती नदी है एक गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो एक में आपका होगा सी ऑप्शन सही। क्या होगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, क्या है, विभिन्न प्रकार के जनांकिकीय घनत्व और उनकी परिभाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या अपॉन कुल भौगोलिक क्षेत्र, सही है। कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या अपॉन शुद्ध आवासीय क्षेत्र, ये आपका गलत है। कृषि घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या अपॉन शुद्ध जोतयुक्त क्षेत्र, ये आपका सही है। उपयुक्त में से कौन सही ढंग से परिभाषित है, तो आपका 1 और 3 सही परिभाषित है। क्या है, 1 और 3। जो आपका दूसरा है कायिक घनत्व, कायिक घनत्व कुल जनसंख्या अपॉन शुद्ध जोत क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल में लोगों की संख्या, उच्च कायिक घनत्व से यही पता चलता है कि उपलब्ध कृषि भूमि का अधिक उपयोग किया जा रहा है, और कम कायिक घनत्व वाले देश की तुलना में यह जल्द ही उत्पादन की सीमा तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरे में 1 और 3 कथन सही था, यानी कि बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, क्या है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। क्या करना है, सम्मिलित करना है जनसंख्या वृद्धि के चरण भारत में और उसकी विशेषताएं। क्या है, विशेषताएं और जनसंख्या वृद्धि के कारण। पहला चरण, चरण एक, 1901 से 1921 तक। इस अवधि में आपकी जनसंख्या वृद्धि की अवधि के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चरण सेकंड, 1921 से 1951 तक, यह आपका स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि है। चरण तीन, 1951 से 81, ये आपकी जनसंख्या विस्फोट की अवधि है। और चरण फोर, 1981 से वर्तमान तक, एक गिरावट की प्रवृत्ति के साथ उच्च जनसंख्या वृद्धि की अवधि है। तो याद रखना, चरण एक इसमें अवरुद्ध जनसंख्या की वृद्धि की अवधि है, चरण सेकंड ये आपका स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि है, चरण थर्ड है जो ये आपका जनसंख्या विस्फोट की अवधि है, और चरण फोर ये आपका गिरावट की प्रवृत्ति के साथ उच्च जनसंख्या वृद्धि की अवधि है। यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, तीसरे का डी है। याद रखिए, आपकी जो भी PDF होती हैं वो सभी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती हैं। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करते रहिए। क्वेश्चन नंबर है चार,
भारत में महिला प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से किस प्रवासन प्रवृत्ति का अनुसरण किया जाता है? भारत में महिला प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से किस प्रवासन प्रवृत्ति का अनुसरण किया जाता है? ग्रामीण ग्रामीण। ए ऑप्शन सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 5। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। ग्रामीण बस्तियां अपनी आजीविका और मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं के लिए भूमि आधारित प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर होती है। ये आपका सही है। केवल शहरी निवासियों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से शहर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु होते हैं। ये आपका गलत है। केवल इसमें एक कथन सही है। क्या है? एक कथन सही है। शहर आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। शहर न केवल शहरी निवासियों बल्कि ग्रामीण लोगों को भी खाद्य पदार्थों तथा कच्चे माल के बदले वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। ग्रामीणों का शहरी क्षेत्रों में यह संबंध परिवहन और संचार के साधनों के कारण बना है। तो इसमें आपका 5 में केवल एक कथन सही था। ठीक। क्वेश्चन है हमारा 6वां। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम सांगपो है। सही है। नामचा वरुवा पहुंचने पर ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये भी सही है आपका। सियोक जास्कर और होंजा ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये आपका गलत है। 6वें क्वेश्चन में आपका 1 और 2 कथन सही है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम आपका मानसरोवर के निकट कैलाश पर्वत माला पर चैम इंगडुंग ग्लेशियर में स्थित है। ठीक है, याद रखना है आपको। सेओक जास्कर हुंजा इत्यादि सिंधु की सहायक नदियां हैं। सेओक जास्कर हुंजा आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, याद रखिए, ना कि आपकी ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो देवांग, लोहित, बूढ़ी देहांग, धनसिरी, ये आपकी बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और दाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कामेंग, सुबनसिरी, मानस और संकोस। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका सी ऑप्शन सही था। 1 और 2 कथन सही था इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7वां। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? सोन है, महानंदा भी है, तिस्ता नहीं है आपकी, बेतवा भी है। तो इसमें क्या होगा? तिस्ता सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 7 का। हिमालय से निकलने वाली कई सहायक नदियां गंगा में आकर जुड़ जाती हैं। उनमें से कुछ नदी बड़ी नदियां हैं भी हैं, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है या गंगा के समानांतर बहती है और दाईं तरफ से प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। घाघरा, गंडक और कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। मुख्य सहायक नदियां जो प्रायद्वीप मैदानों से आती हैं वे चंबल, बेतवा, सोन नदी हैं। तिस्ता गंगा की सहायक नदी नहीं है। तिस्ता गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है 8। क्या है? भारत की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारत की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1861 में आयोजित की गई थी। ये आपका गलत है। व्यवसन संबंधी आंकड़े प्रथम जनगणना के बाद से ही दर्ज किए जा रहे हैं। ये आपका सही है। इसमें केवल आपका 2 कथन सही है। भारत की जनगणना देश में प्रवास के बारे में जानकारी शामिल है। दरअसल 1881 में, कब? 1881 में भारत की जनगणना में प्रवास को पहली बार दर्ज किया गया था। यह डेटा जन्म स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था। और आपकी जो जनगणना है ये आपकी 1872 में पहली बार हुई थी और नियमित रूप से आपकी शुरू हुई है 1881 से। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 9। पिछली सदी में भारत में आबादी की वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है?
वर्ष 1901 से 1921 की अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये आपका गलत है। वर्ष 1921 से 51 के समय को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। ये भी आपका गलत है। वर्ष 1981 के बाद से अब तक की अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि के रूप में संदर्भित किया है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। 1901 से, याद रखिए, इसमें तीनों कथन आपके गलत हैं, कोई भी आपका सही नहीं। आखिर इसमें सही क्या होंगे? तो याद रखिए, 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की अवरुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 से 21 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। फिर आता है 1921 से 1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 1981 के बाद अब तक की, तो याद रखना है वर्तमान तक की देश की जनसंख्या वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही है, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी है। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए आशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई है। ठीक है, तो 9 में आपका उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं था। क्वेश्चन है हमारा 10, क्या है? निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित हैं, कौन से सही सम्मिलित हैं? ये पुस्तकें रिपोर्ट हुए और लेखक आयोग हुए। पॉपुलेशन बम, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ये आपका गलत है। वृद्धि की सीमाएं, किला पॉप्रॉम्स, ये आपका सही है। हमारा साझा भविष्य, पर्यावरण और विकास पर वैश्विक आयोग, ये आपका सही है। यानी कि 2 और 3 इसमें सही है, 1 आपका गलत है। क्या है? 1 आपका गलत है। वर्ष 1968 में पॉल आर एंड रिच के द पॉपुलेशन बम किसकी है? पॉल आर एंड रिच के की है पॉपुलेशन बम। बाकी वृद्धि की सीमाएं, एक क्लब ऑफ रोम, हमारा साझा भविष्य, पर्यावरण और विकास पर वैश्विक आयोग। क्वेश्चन है, इसमें था आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन है 11, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर। क्वेश्चन इसमें है, पहला कथन है, वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह कहते हैं, ये आपका गलत है। जब नदी किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इस प्रकार के अपवाह तंत्र को आरीय अपवाह कहते हैं, ये आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो आपका कथन 1 सही नहीं है, तो इसमें केवल 1 होगा। पेड़ की शाखाओं के अनुरूप अपवाह प्रतिरूप को वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। वृक्षों की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप। ठीक है, क्वेश्चन है 12, क्या है? सिंधु नदी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। भारत में सिंधु नदी केवल जम्मू कश्मीर के लेह जिले से गुजरती है, सही है। चंदा और भागा दोनों सरिताएं मिलकर चेनाव का निर्माण करती हैं। केलांग के निकट तांडी में एक दूसरे से मिलती हैं, ये आपका सही है। ब्यास नदी भांखड़ा नागल परियोजना की नहर प्रणाली को जल प्रदान करती, ये आपका गलत है। इसमें आपका 1 और 2 कथन सही है, बाकी तीसरा गलत है। तीसरा क्या है? गलत है। सतलज नदी, आपकी जो सतलज नदी है, ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखंड से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकीला से बहती हुई पंजाब के मैदानी भाग में प्रवेश करती है।
यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भांगड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का संवहन करती है। कौन सी? सतलज, ना कि ब्यास। ठीक है, तो बारे में आपका एक और दो कथन सही था। क्या था? बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन पहुंचते हैं हम लोग 13। क्वेश्चन क्या है? गंगा की सहायक नदियों में कौन सी बाई ओर से नहीं मिलती है? तो याद रखना, सोन आपकी बाई ओर से नहीं मिलती है, गंडक मिलती है, कोसी और गोमती मिलती है। ठीक, सोन जो है आपकी ये दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन है हमारी क्या है? 14। क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। ये आपकी नदी है और ये आपके स्रोत हैं। क्या है? स्रोत हैं। सही सुमेलित चुनना है इनमें से हमें। अलकनंदा, अलकनंदा जो आपकी है, मिलाम हिमनद गलत है, सरयू सत्तोपंत हिमनद ये भी आपका गलत है, ब्रह्मपुत्र माप मापचा चुंगो हिमनद ये भी आपका गलत है। यानी कि तीनों आपके कथन गलत हैं। इसमें देवप्रयाग में सही कथन क्या है? सुनिए, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद यह गंगा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंत हिमनद से है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंत हिमनद से है। सरयू नदी, सरयू नदी नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद, मिलाम हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर के पास, मानसरोवर के पास चेमायुंग डोंग हिमनद से है। इससे चेमायुंग डोंग हिमनद से। ठीक है, इसमें था आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन है 15। क्या है? आद्यता की परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। सही है, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ये भी सही है। सॉरी, ये आपका गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा क्योंकि दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में जो मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक। और आपका तीसरा कथन है, जिस तापमान पर संतृप्तता घटित होती है उसे ओशांक कहा जाता है। ये आपका सही है। इसमें 15 में आपका केवल दो कथन गलत था और बाकी एक और तीन आपका कथन सही था, एक और तीन सही था। क्वेश्चन है हमारा 16। क्या है क्वेश्चन नंबर? पर्वत का पवना पवनाभिमुख ढाल जहाँ वर्षा नहीं होती उसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 17। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। समानांतर अपवाह तंत्र का विकास वाली संरचनाओं पर हुआ है जहाँ कठोर चट्टानों के कटकों के मध्य में अभिनत घाटियां पाई जाती हैं। यह आपका कथन गलत है। अपकेंद्रीय अपवाह है पितरूप में नदियां गुम्बदाकार संरचना के रूप में ऊपरी केंद्र से बाहर की ओर बहती हैं। यह आपका सही है। क्या है? सही है। तो इसमें आपका केवल दो कथन सही है, बाकी एक गलत है। क्या है? एक गलत है। कई धाराएं कटक के दोनों किनारों पर विकसित होती हैं तथा अधोमुखी अभिनत धाराओं के से समकोण पर मिलती हैं। ठीक है, एक में इसमें आपका क्या होगा? 17 में बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है 18। क्या है क्वेश्चन? अधिवास भूगोल के संदर्भ में नगरीय समूह निम्नलिखित में से किस
किनसे संदर्भित है? 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, ये आपका गलत है। एक शहर और उसके आसपास नगरीय विस्तार, ये आपका सही है। दो या दो से अधिक समीपस्थ शहर अपने बाह्य विस्तार के साथ या उसके बिना, ये भी सही है। तो इसमें आपका 2 और 3 कथन सही है, एक कथन आपका गलत है। 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को मेगा शहर के रूप में जाना जाता है। क्या कहते हैं? 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर को मेगा शहरों के नाम से जाना जाता है। 18 में आपका 2 और 3 कथन सही था, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 19, क्या है? निम्नलिखित में से कौन हाल ही में समाचारों पद में रहे पद अल्टीमा थूले का सही वर्णन करता है? थूले का तो यह कुईपर पट्टी में अवस्थित एक छोटा बर्फीला पदार्थ, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 20, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 20, ब्रिटिश सरकार ने भारत और दक्षिण एशिया में नाइट्रोजन प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए एक शोध परियोजना की घोषणा की। निम्नलिखित में से किन तरीकों से नाइट्रोजन पर्यावरण प्रदूषण के रूप में कार्य करता है? आधार स्तरीय ओजोन निर्माण, सही है। समता मंडलीय ओजोन निर्माण, ये गलत है। सुपोषण, ये सही है। तो इसमें आपका 20 में 1 और 3 है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 21, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय प्रति दर्ज सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है, सही है। यह प्रत्येक 3 माह की अल्पावधि में जानकारी प्रदान करती है, ये भी सही है। यह शहरी क्षेत्रों में श्रम शक्ति की भागीदारी और रोजगार की स्थिति की गतिशीलता की माप करती है, ये भी सही है। यानी कि 21 में आपके तीनों कथन सही है, 21 में आपके तीनों कथन सही है। क्वेश्चन है हमारा 22, क्या है? गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह पुरस्कार व्यक्तियों के साथ साथ संस्थानों को उनकी राष्ट्रीयता पर ध्यान दिए बिना प्रदान किया जा सकता है, सही है। इस पुरस्कार में मौद्रिक अनुदान शामिल नहीं है, ये भी गलत है। यह वर्ष 2018 का पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को दिया गया था, ये भी आपका गलत है। तो इसमें केवल आपका एक सही है, क्या है? एक सही है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1995 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। गांधी शांति पुरस्कार राष्ट्रीयता जाति पंथ या लिंग के परे सभी व्यक्तियों के लिए खुला हुआ है। इस पुरस्कार में 1 करोड़ राशि, प्रशस्ति पत्र, स्मारिका और साथ ही एक अति सुंदर पारंपरिक हस्तकला हथकरघा वस्तु शामिल होती है, ठीक है। वर्ष 2015, 16, 17 और 18 के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में पुरस्कार के विजेताओं का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक निर्णायक मंडल द्वारा किया गया था। तो याद रखना है 2015 का कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र ने ग्रामीण विकास और शिक्षा के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। वर्ष 2016 के लिए अक्षर पाठ फाउंडेशन को देश भर के बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने और सुलभ इंटरनेशनल को मेहतरों की मुक्ति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2017 के लिए यह पुरस्कार एकल अभियान ट्रस्ट को ग्रामीण और आदिवासी बच्चों हेतु शिक्षा में किए गए योगदान के लिए दिया गया था। वर्ष 2018 के लिए भारत और विश्व भर में कुष्ठ रोग उन्मूलन में योगदान के लिए द निप्पॉन फाउंडेशन के अध्यक्ष और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना राजदूत यू हेई सासा कावा को यह पुरस्कार दिया गया था 2018 में, ठीक है। तो इसमें आपका केवल एक कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 23, समाचारों में रहे पद डेफेथाई पाबुक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका चक्रवातों से संबंधित, किससे? चक्रवातों से संबंधित। क्वेश्चन है हमारा अगला 24, क्या है?
क्वेश्चन है 24। उन्हें शिक्षा की देवी तथा उनके प्रयासों के लिए महिला सशक्तिकरण का एक सच्चा प्रतीक माना जाता है। वे भारत की पहली महिला स्कूल अध्यापिका हैं। कन्या भ्रूण हत्या और विधवाओं और गर्भवती बलात्कारों पीड़ितों की हत्या को रोकने के लिए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। 3 जनवरी 2019 को उनकी 186वीं जयंती मनाई गई। वे कौन है? तो याद रखना, यह है आपकी सावित्रीबाई फुले। कौन है? सावित्रीबाई फुले। सी ऑप्शन 24 में सही होगा। क्वेश्चन है 25। क्या है? गैस हाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों की उप महासागरीय तलछटों और महाद्वीपीय सेल्फ के अवसादों में पाए जाते हैं। सही है। एक निश्चित तापमान बाधा पर मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस हाइड्रेट के रूप में विद्यमान हो सकती हैं। ये भी आपका सही है। यानी कि 25 में क्वेश्चन नंबर 25 में आपका दोनों कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये था आपका 26वां टेस्ट। आगे इसी तरह के हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाते रहेंगे। ठीक है।